अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वासिफिजा मनी व्लॉग्स। सो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं दोस्त के बाग में। दोस्त ने हमें स्पेशली इनवाइट किया हुआ है। सो वहां पे हम जाएंगे, बाग घूमेंगे और ट्यूबवेल में नहाएंगे और जो भी हमारी आज की एक्टिविटी होगी इस ब्लॉग में शेयर करेंगे आप दोस्तों के साथ। सो फ्रेंड्स, चैनल पे नए हो तो यार अभी से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। और मेरे साथ आज कंपनी करेगा मेरा दोस्त सिजाद निजामानी। हेलो कह दो। बाय बाय। अभी हम पहुंच चुके हैं खेसाना मोरी पे। खेसाना मोरी का व्यू मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने सोचा इस ब्लॉग में ऐड कर दूं। सो फ्रेंड्स, पहले हम यहां से नहाया करते थे, तब ट्यूबवेल का ट्रेंड नहीं था, आजकल तो ट्यूबवेल का ट्रेंड है। रास्ते में हमने ये नया परिंदा देखा तो मेरे दोस्त सज्जाद ने कहा इसको भी ब्लॉग में ऐड कर लेते हैं। अभी सज्जाद इसकी वीडियो बना रहा है। अभी हम पार्क पे पहुंच चुके हैं। मेरे दोस्त ने काफ़ी अच्छी दावत की है, सब फ्रेंड्स को इनवाइट किया गया है। अभी हमें भी भूख लगी है, हम भी बिरयानी खाएंगे, उसके बाद ट्यूबवेल पे चलेंगे। बिरयानी देखने में तो यार ज़बरदस्त है, खाने में भी ज़बरदस्त है। सो मेरे दोस्त ने काफ़ी यार अच्छी दावत की हमारी। सो हम बिरयानी खा रहे हैं, अभी बिरयानी खा के फ़ौरन चलेंगे ट्यूबवेल की तरफ। जैसे कि यार अभी आम की सीज़न का टाइम है तो बागों में रौनक लगी हुई है, हर तरफ लोग ही लोग हैं। सो यार काफ़ी अच्छा लगता है ऐसा। मेरे सारे दोस्त यहाँ पर बैठे हैं, अब कुछ दोस्त जो है अभी तक चावल खा रहे हैं। सो जैसे ही ये चावल खाएंगे सो हम फौरन चलेंगे ट्यूबवेल की तरफ। सो मेरे दोस्तों ने लगभग चावल खा लिए हैं, अब हम निकलेंगे ट्यूबवेल की तरफ। सो व्यूअर्स, हम पहुंच चुके हैं ट्यूबवेल पर। यह सोलर पर चल रहा है ट्यूबवेल, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्यूबवेल का इन्वर्टर लगा हुआ है, बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है। आप देख सकते हैं तकरीबन ऊपर 80 सोलर पैनल लगे हुए हैं, एक सोलर पैनल 300 वाट का है। सो फ्रेंड्स, अगर आप ट्यूबवेल लगाना चाहते हैं अपनी ज़मीन पर सो कोशिश करें गवर्नमेंट से सब्सिडी लें, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। सोलर का सिर्फ एक बार खर्च होता है, एक ट्यूबवेल का तकरीबन पाकिस्तान में 10 लाख के करीब खर्चा होता है, फिर 25 साल तक हम इसे फ़ायदा उठा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं पूल में नहाने। सो व्यूअर्स, यहाँ पे थोड़ी मस्ती तो चलती है ना दोस्तों के साथ। सो दोस्तों ने मुझे पानी में फेंक दिया, काफ़ी इंजॉय किया यार, ये सब तो चलता है। अब मेरे दूसरे दोस्त की बारी है, असगर निज़ामानी की, अब इसको भी पानी में फेंकेंगे मेरे दूसरे दोस्त, ये गया पानी में।
यार गर्मियों के मौसम में ट्यूबवेल में नहाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है, और उसके साथ अच्छे दोस्तों की कंपनी मिल जाए फिर तो कोई जवाब ही नहीं। व्यूअर्स, आप सब से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल आसिफ निज़ामानी व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए। व्यूअर्स, वैसे भी कोरोना की वजह से हर चीज़ बंद है, शहर मार्केट्स हर चीज़ बंद है, लेकिन हम गांव के रहने वाले हैं, हमारी लाइफ में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा है। इसलिए कहते हैं गांव की लाइफ का मज़ा ही अपना है, बिल्कुल पुरसकून लाइफ है, शहर की तरह भागम भाग वाली ज़िंदगी नहीं है। सो व्यूअर्स, अब चलते हैं, ट्यूबवेल में नहा लिया है, अब चलते हैं बाग की तरफ और चाय पीते, उसके बाद चलेंगे घर। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे हम अगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। सो व्यूअर्स, हम बाग पे पहुंच चुके हैं, अभी चाय भी आ चुकी है, मेरे सारे फ्रेंड्स चाय उठा रहे हैं अपनी अपनी, और मैंने भी अपनी चाय उठा ली है। सो अभी चाय पियेंगे उसके बाद चलेंगे घर की तरफ। सो व्यूअर्स, यहाँ पर मैं भी चाय पी रहा हूँ, अब जैसे ही चाय पियेंगे उसके बाद निकलेंगे फौरन घर की तरफ। सो हमारे ब्लॉग में जुड़े रहिए। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे चलते चलते, तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते जाओ, वीडियो को लाइक और शेयर करते जाओ। बाय बाय।